अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को अली रज़ा का सलाम पहुँचे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मलकल मौत और अल्लाह ताला की गुफ्तगू। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ में दिए गए बेल आइकान को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि इसी तरह की इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। एक मरतबा अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकल मौत से फरमाया कि मलकल मौत, तू ये बता कि तूने इतने की रूह कब्ज़ की है, कभी तुझे किसी पे तरस भी आया है या नहीं? तो मलकल मौत ने कहा कि मुझे दो इंसानों पे सबसे ज़्यादा तरस आया। एक वो बच्चा जब कश्ती दरिया में थी और आपने हुक्म दिया कि कश्ती में बैठे तमाम मुसाफिरों की रूह कब्ज़ कर लें, मैंने सबकी रूह कब्ज़ की। उसके बाद फिर एक फट्टा पे एक माँ और उसका बच्चा बच गए, तो आपका हुक्म हुआ कि इसकी इस बच्चे की वालदा की रूह कब्ज़ कर लें। तो मैंने उसकी वालदा की रूह कब्ज़ की। मैंने थोड़ा सोचा कि इस बच्चे का क्या हो गया। उस टाइम मुझे उस बच्चे पे तरस आया जिसका कोई परेशान हाल नहीं था, वो अलहदा और तन्हा उस समंदर में था। उसके बाद दूसरा इंसान वो जब शद्दाद बिन आद ने जन्नत बनवाई, जन्नत में मुख्तलिफ फल वगैरह लगवाए, दरख्त लगवाए, उसने जन्नत बनवाई। फिर जब जन्नत को देखने का वक्त आया तो जब वो घोड़े पर सवार हुआ तो आपने हुक्म दिया कि जन्नत के दरवाज़े पे इसकी रूह कब्ज़ कर लो, उसको जन्नत के अंदर जाने ना दो। तो मैंने उस शद्दाद की रूह कब्ज़ की, मुझे उस शद्दाद पे भी बहुत ज़्यादा तरस आया। शद्दाद कौन था इसकी मैं थोड़ी सी आपको टच देता चलता हूँ। शद्दाद वही बच्चा था जो समंदर में एक भट्टे पे था। फिर उसके बाद खुदा फरमाता है कि हमने पानी की लहरों को हुक्म दिया कि वो उसको सैले समंदर तक ले आएँ, फिर वो उसको सैले समंदर तक ले आई। उसके बाद हमने एक भेड़िया वहाँ भेजा, उस भेड़िए ने इस बच्चे को अपने पास ले गया, इसको दूध पिलाया और उसकी परवरिश की, यहाँ तक कि वो बच्चा सन बलूगत तक पहुँच गया। उसके बाद वो साथ ही वाले बादशाह के पास गया जिसकी औलाद नहीं थी। उस बादशाह ने इसे अपना बच्चा बना दिया। जब ये 20-25 साल की उम्र तो पहुँचा तो उसने इस शद्दाद बिन आद ने उस पर पूरा कब्जा कर लिया उसकी सल्तनत पे और ख़ुद बादशाह बन गया। इसकी बादशाहत बहुत फैल गई तो इसने फिर खुदा का दावा कर लिया। तो इसके बाद इसने जन्नत बनवाई। फिर जन्नत जब बन गई, जब जन्नत को देखने का वक्त आया तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इज़राइल को, जाओ इसकी रूह कब्ज़ कर लो। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा वंदे आला, ये दो इंसान ऐसे थे जिसे मुझे सबसे ज़्यादा रहम आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़राइल तुम्हें एक ही शख्स पे बार बार रहम आया, वो बच्चा जिसको तूने बचाया था वो वही था जो बड़ा होकर शद्दाद बना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वाकया अच्छा लगा होगा। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ में एक बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।